वार्म रिगार्ड्स स्टूडेंट्स, आई एम दीपक कमल फ्रॉम डॉक्टर ओम प्रकाश स्कूल ऑफ फार्मेसी फरुखाबाद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोफार्मास्यूटिक्स एंड एब्जॉर्प्शन। इट इज़ रेफर्ड बाई द मिस्टर रमाकांत जोशी स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर। दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स इज़ द मिक्सचर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। बेसिकली फार्माकोलॉजी में क्या है कि आप जो है ड्रग की एडीएम यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसकी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, और उसकी जो डोजेस फॉर्म्स होते हैं, इन सब के बारे में जो है जानते हैं। तो इसीलिए उसका मिक्सचर रूप बनाया गया बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड डोजेस फॉर्म्स एंड अफेक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या बताया गया है कि जो ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके जो डोजेज फॉर्म्स हैं उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा ड्रग एब्जॉर्प्शन की क्या मतलब मात्रा है, यानी ठीक एक्सटेंट, क्वांटिटी, ठीक, एंड रेट, रेट यानी दर, उसकी दर पर जो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करने वाले भी जो फैक्टर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार जो है बायोफार्मास्यूटिकल फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग विद इन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ में ड्रग की स्टेबिलिटी और उसको प्रोटेक्ट करना, ये काम भी होता है। प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए आपका डोजेज ऑफ फार्मुलेशन, फार्मुलेशन डोज की बात हो रही, डोजेस फॉर्म्स की बात हो रही, प्रोडक्ट वो हुआ कि मतलब उस प्रोडक्ट में ड्रग अपनी कितनी सुरक्षित है, कितनी स्टेबल है, उसको भी ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर सेकेंड है रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से ड्रग रिलीज होने की दर क्या है उसकी बात हो रही है, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। रेट ऑफ डिजॉल्यूशन ऑफ द ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट, और एब्जॉर्प्शन साइट पर ड्रग के डिजॉल्यूशन का रेट क्या है उसकी भी स्टडी इसमें की जाती है, यानी कि उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एक्शन, और इसके साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग की अवेलेबिलिटी क्या है उसकी स्टडी की जाएगी, है ना, उसको प्रभावित करेगा फैक्टर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है किसके किसके बीच में, ड्रग प्रोडक्ट और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के। तो ये अपना ड्रग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसी में ड्रग है, ठीक है, जान समझ ही रहे हैं। ये जो है क्या होगी, ये एब्जॉर्ब होगी प्लाज्मा में, फिर यहाँ से ये एलिमिनेट होगी और जो है ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूड और साइट ऑफ एक्शन की तरफ जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके, अब जो है ड्रग को फैसिलिटेट करने के लिए चार प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कि वो ब्लड में पहुँचे, ब्लड के कंसंट्रेशन में पहुँचे। उसके लिए चार फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, चार प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली अकर होते रहते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसके अतिरिक्त, एडीएमई प्रोसेस के अतिरिक्त, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्रग कंसंट्रेशन को कैसे उसमें ड्रग मूव करेगी, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के जरिए, वो होता है डिफ्यूज़न के द्वारा। ड्रग जो है इन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन एडीएमई प्रोसेस के अलावा एक फैक्टर होता है डिफ्यूजन, जिसके द्वारा जो है बॉडी में ड्रग डिफ्यूज़ करती है ब्लड में। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। वंस ए ड्रग इज रिलीज्ड फ्रॉम स्किन के जरिए डिफ्यूज होती है पहली चीज़ तो, ठीक, स्किन में अप्लाई करेंगे हम लोग ऑइंटमेंट, तो वो जो है अपना जो स्किन मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इनके पार करके ही ड्रग एब्जॉर्ब होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एक बार जो है वंस अ ड्रग इज़ रिलीज्ड फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्मुलेशन, द प्रोसेस दैट ट्रांसफर्स इट इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक बार ड्रग जो है अपनी डोजेज फॉर्म से रिलीज हो जाती है तो ये जो है डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द गैस्ट्रिक इमिटिंग टाइम। ओरल ड्रग को प्रभावित, ओरल ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने के लिए प्राइमरी फैक्टर एक होता है, वो होता है गैस्ट्रिक इमिटिंग टाइम। अब जब तक जो है स्टमक में ड्रग बनी रहती है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले तक बॉडी में यानी कि स्टमक में ड्रग बनी रहती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम कहलाता है। ठीक, तब तक वो टाइम जो है उसका यही कहलाता है। मोस्ट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होते हैं। मोस्ट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट फैक्टर्स इनक्रीज द गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम, बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम को इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो इसको स्लो कर देते हैं, बहुत से जो होते हैं। इफ़ अ ड्रग रिमेन्स इन द स्टमक टू लॉन्ग, इट कैन बी डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड एंड इट्स अफेक्ट डिक्रीज। अब देखिए, जो स्टमक में अगर जो है ड्रग बहुत ज़्यादा समय तक बनी रहती है, तो ये ड्रग को क्या कर सकती है, उसको डिग्रेड कर सकती है या डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है या नष्ट कर सकती है। इसके अलावा क्यों कर सकती है, इसलिए कर सकती है क्योंकि जो है उसका जो पीएच होता है स्टमक का, वो एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम में ड्रग जो है आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है और इसके प्रभाव को कम कर सकती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन फैक्टर होता है ब्लड। ब्लड कैरीज द ड्रग थ्रू आउट द बॉडी एंड टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। ड्रग्स आर रैपिडली डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेन्स हैविंग हाई ब्लड फ्लो रेट सच एज द हार्ट, लीवर एंड किडनीज। ऐसे ऑर्गेन्स जिनमें ब्लड फ्लो रेट बहुत अधिक होता है, जैसे हार्ट, लीवर एंड किडनी, वहाँ पे जो है ड्रग का बहुत तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन टू द मसल, फैट एंड स्किन इज स्लोअर बिकॉज दे हैव लोअर ब्लड फ्लो रेट्स। अब ऐसे ऑर्गेन्स जैसे मसल है, फैट है और स्किन है, इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन रेट वो यहाँ पे स्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका ब्लड फ्लो रेट जो होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। ड्रग मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द बॉडीज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रग्स। अब इसमें क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है ये ड्रग को ट्रांसफॉर्म करती है, यानी बॉडी की प्रोसेस के जरिए ये ड्रग को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें चेंज लाएंगी ड्रग में, है ना। द ट्रांसफॉर्म ड्रग इज कॉल्ड अ मेटाबोलाइट। जो ट्रांसफॉर्म ड्रग होती है वो मेटाबोलाइट कहलाती है, और बॉडी में ड्रग मेटाबोलिज्म होता है मेनली लीवर में, है ना। व्हेन ट्रांसफॉर्म इन द लीवर, या प्राइमरी साइट जो होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म की वो लीवर होती है। तो व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड इन द लीवर अ ड्रग इज ब्रोकन डाउन इनटू इनएक्टिव और एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जब जो है ड्रग लीवर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो ये दो फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है, इनएक्टिव एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इनएक्टिव जो होता है ये आपका किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, और जो एक्टिव होता है वो पहले तो अपना इफेक्ट शो करता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में क्या है कि मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन बाय द किडनीज। अब बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जो किडनी के द्वारा यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं, और इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रान होती है। सम ओरल ड्रग्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक डाउन कैन बी एक्सक्रीटेड इन द फीसेज। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके ये क्या नाम इसका उनका जो है ब्रेक डाउन डिफ़िकल्ट होता है, तो यूरिन के जरिए फिर वो जा नहीं पाएंगी, इसलिए जो वो फीसेस के जरिए, है ना, फीसेस के जरिए वो बॉडी से रिमूव होती हैं वेस्ट प्रोडक्ट की तरह, एनस के जरिए, ठीक। द जॉब ऑफ द किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो किडनी का जो जॉब होता है वो होता है ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो स्टूडेंट्स, ये बात थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स की, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जाना ADME प्रोसेसेस के बारे में, ठीक। तो अब हम लोग आगे जब जानेंगे तो वो जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT। तो ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।